Hello guys, hope you like our videos, and if you like our videos, subscribe our channel and press the like and share button. In this video, we are going to do chapter number 1, real numbers, MCQs part 1. Question number 1, the exponent of 2 in the prime factorization of 144 is? हमारे पास था नंबर 144, सो हमने उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली है. फाइन, यहाँ पे हमारे पास बना है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2. उसने हमसे पूछा है एक्सपोनेंट ऑफ 2, मींस जो 2 है उसकी पावर कितनी है. द पावर इज 4, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन. क्वेश्चन नंबर 2, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 1200. Which of the following can't be their HCF? हमें LCM दे रखा है as 1200. जो LCM होता है K times HCF. Where जो K होता है वो belong करता है natural number को. Fine. So that means अगर हम LCM को divide करें HCF से, तो हमारे पास एक नेचुरल नंबर आना चाहिए. तो अगर मैं ऑप्शन नंबर ए देखूं भी वो एचसीएफ है या नहीं है, तो हमारा एलसीएम है 1200. अगर हम एचसीएफ 600 लेते हैं, यहां तो कटिंग हो गई और हमारे पास बच गया 2. 2 तो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, तो दैट मींस ये इसका एचसीएफ बन सकता है 2 नंबर्स का. अगर हम ऑप्शन नंबर बी देखें, तो अगर हम 1200 को 500 से डिवाइड करें, तो इसको डिवाइड करने पे हमारे पास आया 12/5, जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है. उसने पूछा था कौन सा इसमें से कांट बी देयर एचसीएफ, कौन सा एचसीएफ नहीं हो सकता है. सो दैट इज ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 3, इफ एन इज इक्वल्स टू 2^3 इंटू 3^4 इंटू 5^4 इंटू 7, देन द नंबर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव जीरोज इन एन वेयर एन इज अ नेचुरल नंबर इज. हमें यहाँ पे एन दे रखा है और हमने नंबर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव जीरोज निकालने हैं. तो अगर हम ये 3^4 मल्टीप्लाई में फ्रंट पे कर देते हैं और 2^3 और 5^4 है उसकी पार 3 अलग कर देते हैं और 5^1 अलग कर देते हैं. ये 2 × 5 दोनों की पार 3 है, तो ये तो बन गया हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में 2 × 5 पार 3, जो कि हमारे पास इससे नेक्स्ट स्टेप में बन गया 10. तो 10^3 मींस यहाँ पे जो भी आएगा मल्टीप्लीकेशन में उसके साथ 1000 मल्टीप्लाई होएगा. 1000 मींस 3 0 जरूर आएंगे एट द एंड. तो उसने पूछा था नंबर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव जीरोस इस नंबर एन में, तो वो हो जाएंगे हमारे पास 3 0s. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स of the prime factors in the prime factorization of 196 is. हमारे पास नंबर था 196, उसकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले करनी थी, तो वो हमने कर ली. हमारे पास यहाँ पे आ गया 2 × 2 × 7 × 7. हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं 2^2 × 7^2. उसने पूछा है सम किसका ऑफ द एक्सपोनेंट्स, किसके एक्सपोनेंट्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स. तो सम जो है एक्सपोनेंट्स मींस पार्स, किसकी पार्स प्राइम फैक्टर्स की. तो प्राइम फैक्टर्स हैं 2 और 7. 2 की पार हमारे पास बन रही है 2 और 7 की पार भी बन रही है 2. इन दोनों को हमने जब प्लस करा, इसका हमने सम करा, तो वो आया 4. सो 4 इज द करेक्ट ऑप्शन. So option number C, that is 4, is the correct answer. Question number 5, the number of decimal places after which the decimal expansion of the rational number 23/2^5 will terminate is. हमारे पास नंबर है
23 अपॉन 2 पार 2 इनटू 5 देन नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हमने निकालने हैं आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर इस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा तो यहां पे 2 की पार 2 है हमारे पास 5 की पार 1 है इसका मतलब 5 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं तो यहां पे हमारे पास बन गया ऊपर तो हमारे पास 23 इनटू 5 करने पे बन जाएगा 115 और नीचे हमारे पास बन जाएगा 2 की पार 2 और 5 की पार भी 2 फाइन तो यहां पे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में दो बेसिस अलग-अलग हैं पर पार सेम है तो उस पार को हम बाहर कर सकते हैं और ये हमारे पास बन गया 10 की पार 2 दैट मींस 115 अपॉन 100 तो यहां पे आ गया 1.15 सो उसने पूछा था नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट हुई है तो यहां पे डेसिमल के बाद दो डेसिमल प्लेसेस आए हैं सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन क्वेश्चन नंबर 6 इफ p1 एंड p2 आर टू ऑड प्राइम नंबर्स सच दैट p1 इज ग्रेटर देन p2 देन p1 स्क्वायर माइनस p2 स्क्वायर इज हमारे पास P1 और P2 जो है वो दो ऑड प्राइम नंबर हैं फाइन और P1 बड़ा है P2 से फाइन और यहां पे हमारे पास है P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर यहां पे हम एक फंडा लगा सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का जो कि बन जाएगा a माइनस b इन वन ब्रैकेट एंड a प्लस b इन अनदर ब्रैकेट So, odd number minus odd number is even number and odd plus odd is also even. So, even into even is even number. So, option number A is the correct one. That is an even number. Question number 7. If two positive integers A and B are expressible in the form A is equals to PQ square, B is equals to P cube into Q, P and Q being prime numbers, then LCM of A and B is A हमें दे रखा है PQ square और B दे रखा है P cube into Q. हम A को लिख सकते हैं P into Q और B को लिख सकते हैं P into P into P into Q. हमने LCM निकालना है A और B का. है ना तो यहां पे a और b में कॉमन एलिमेंट एक तो q है और एक p है तो जो कॉमन एलिमेंट है वो तो एक ही बार ही आएंगे जो कॉमन नहीं है वो सारे आएंगे तो यहां पे आ गया p into p तो ये बन गया p cube into q square सो ऑप्शन नंबर c इज द राइट वन क्वेश्चन नंबर 8 इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b are expressible in the form a is equals to pq square, b is equals to p cube into q, p and q being prime numbers, then HCF of a and b is, हमें a और b की value दे रखी है, हम a को लिख सकते हैं p into q, और b को लिख सकते हैं p into p into p into q, हमने HCF निकाला है HCF होता है highest common factor A और B में एक तो P common है और एक Q common है तो HCF हो गया P into Q that is PQ so option number A is the correct one question number 9 if two positive integers M and N are expressible in the form m is equals to p into q cube and n is equals to p cube into q square where p and q are prime numbers then HCF of m and n is हमें m दे रखा है p into q cube और n दे रखा है p cube into q square so हम m को express कर सकते हैं P into Q into Q into Q और N को express कर सकते हैं P
इंटू क्यू इंटू क्यू. हमने एच सी एफ मतलब कॉमन फैक्टर, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों में फाइंड आउट करना है. तो एक तो हो गया पी, एक हो गया क्यू, ये वाला एक ये वाला क्यू हो गया. सो बन गया हमारे पास पी इंटू क्यू इंटू क्यू, दैट इज पी इंटू क्यू स्क्वायर. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 10. If the LCM of A and 18 is 36 and HCF of A and 18 is 2, then A is equals to, दो नंबर्स हैं A and 18, जो LCM है वो है 36 और जो HCF है वो है 2. हमें एक रूल पता है, LCM into HCF करें तो वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है. यहाँ पे ए की वैल्यू तो ए है, बी की वैल्यू हमें 18 दे रखी है. एलसीएम है 36 और एचसीएफ है 2. हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसको राइट हैंड साइड पे ही रखते हैं और जो 18 उधर मल्टीप्लाई हो रहा था उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, वो डिवाइड हो जाएगा. 18 वन इज 18, 18 टू इज 36, तो 2 इंटू 2 इज 4. ए की वैल्यू आ गई 4. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. होप यू लाइक आवर वीडियो. वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर्स एमसीक्यूज पार्ट 2. एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑन आवर चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.